आओ आ रहा है ना मुंह में पानी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैम डिलीशियस बाय संदीप पांडे। हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? दिवाली आ रही है भाई, तो कुछ मीठा तो जरूर बनना है। तो चलिए आज से थोड़ा मैं मीठा बनाना शुरू करता हूँ, आगे देखता हूँ क्या क्या बनाता हूँ। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ लड्डू बनाने, मूंग दाल के लड्डू बनाऊंगा। इजी है, सिंपल है, लेकिन एक टर्न और ट्विस्ट है। मैं बिना घी के बनाऊंगा, ऐसे लड्डू बनाऊंगा कि आप खा के मुग्ध हो जाओगे। बहुत अच्छे लड्डू खाने में लगते हैं, वो भी बिना घी के। चलिए दिखाते हैं कैसे बनती है मूंग दाल के लड्डू। और आप इसे स्टोर करके फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में 10 से 12 दिन तक आराम से रखो और खाते रहो। मूंग की दाल ली है, ये इस कटोरी की मेजरमेंट से, आप कोई भी कटोरी का मेजरमेंट ले लें, इससे एक कटोरी मैंने मूंग की दाल ली है। उसे मैंने अच्छे से धो लिया है 2 पानी से। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब हम इस मूंग की दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें हम मैंने घी यूज नहीं किया है, मैं बिना घी के बनाऊंगा इसे। 5 मिनट तक हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से इसे भूनना है। 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे हम और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दाल को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, इसे थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लेंगे। दाल को पीस लिया है, ये हल्का दरदरा है, आप चाहे तो इसे छन्नी से छान भी सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगा, इससे टेस्ट ज्यादा बढ़ता है। यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख ली है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी मैंने। अब इसे हम इसमें ट्रांसफर कर दे रहे हैं और मीट इस लो फ्लेम पे, हमें बिल्कुल फ्लेम लो रहेगी और इसे हमें 10 मिनट तक लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनना है। दाल को भूनते भूनते हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। और मैंने घी नहीं डाला है, मैं बिना घी के बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और मगज के बीज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको भी हम 2 मिनट इसमें डाल के भून लेंगे। 10 मिनट तक हमें भूनना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आए तब तक, और तब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनते हैं ये। 10 मिनट तक मैंने पूरा इसे अच्छे से भून लिया, ये देखिए इसका कलर ऐसा हो गया है। गैस की फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिया था दाल का, एक कटोरी दाल ली थी, ये हाफ कटोरी घर दूध की मलाई है, ये फ्रेश मलाई है। आप दो दिन तक की मलाई ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उससे पुरानी मलाई आप बिल्कुल ना ले। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, अब मैं इसमें मलाई डाल दे रहा हूँ। मलाई डालने से ना आपका बिल्कुल एकदम खोए का टेक्सचर आ जाएगा, मावा जैसा मिक्स। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। याद रखिए गैस की फ्लेम आपको ऑफ रखनी है यहाँ पे। ये मैंने 4-5 इलायची, छोटी इलायची को कूट लिया है, इसको डाल दे रहा हूँ। बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स कर दिया है, अब हम गैस, अभी तक हमारी गैस की फ्लेम ऑफ थी, अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेते हैं और फिर से इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक हम अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, गैस की फ्लेम अब हम ऑफ कर देते हैं और इसे एक बड़े परात में निकाल के ठंडा होने देते हैं। मिश्रण हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, ये देखिए हाथ से छू सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से दाल ली थी उसी कटोरी से मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहे तो देसी खांड, बूरा, कुछ भी ले सकते हैं 3/4 कप। अगर आप थोड़ा मीठा कम खाते तो हाफ कटोरी लीजिए, नहीं तो 3/4 कप बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे मैं डाल दे रहा हूँ और अच्छे से इसे अब हम मिला ले रहे हैं, बिल्कुल मसल मसल के दोनों हाथों से मैं मिला ले रहा हूँ इसे अच्छे से। ये देखिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं, आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी। ये देखिए लड्डू हमारे बहुत अच्छे से बन जा रहे हैं। अगर आपका मिश्रण थोड़ा सूखा लगे, यहाँ पे लड्डू नहीं बन पा रहे हैं आपके, तो आप 2-3 चम्मच दूध डाल दीजिए, इससे आपके लड्डू बहुत अच्छे बन जाएंगे। देखिए बिल्कुल प्लेन लड्डू बन के हमारे तैयार है, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ बना के। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना ले रहे हैं।
मूंग दाल के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बने, ये देखिए मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ, और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए तो और भी टेस्टी हो गया है। आप ज़रूर बनाइए, इसे मैंने बिना घी के बनाया है, आपने जैसे देखा वीडियोस में मेरी, आप ज़रूर बनाइए खाइए और दिवाली में बांटिए। भाई दिवाली आ रही है, फेस्टिवल है, बहुत ही सॉफ्ट बने, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के, ये देखिए बिल्कुल टूट जा रही है ये लड्डू हमारे अंदर, देखिए लग रहा है कि इसमें घी नहीं डाला है, बहुत अच्छी बनती है। अब तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल डैम डिलीशियस बाय संदीप पांडे। आप लोगों ने अभी तक बहुत साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे, इससे हौसला बढ़ता है मेरा। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।